दिल्ली NCR में सोमवार को भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा। IMD के अनुसार दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अप्रैल में 5 साल में सबसे अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान बादल छाए रहने का अनुमान है। हालांकि कुछ हिस्सों में लू की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में इस साल अप्रैल में अब तक 5 दिन ऐसे दर्ज किए गए हैं जब लू चली है, और ये संख्या 12 सालों में सबसे ज्यादा है। IMD के अनुसार इससे पहले 2017 के अप्रैल महीने में ऐसे 4 दिन दर्ज किए थे। दिल्ली में 21 अप्रैल 2017 को अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अप्रैल का अब तक का सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 29 अप्रैल 1941 को 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यह भी 72 साल में पहली बार हुआ है कि दिल्ली में अप्रैल के महीने पहले पखवाड़े में इतना अधिक तापमान दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 22.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सोमवार को दिल्ली में हवा में नमी का स्तर 17 से 43% रहा। दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, और हीट वेव चलने का भी अनुमान जाहिर किया गया है। नोएडा में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहाँ आसमान साफ रहेगा। गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 45 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और मौसम साफ रहेगा। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार मंगलवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI मध्यम श्रेणी में 170 रिकॉर्ड हुआ। वहीं नोएडा का AQI खराब श्रेणी में 252 दर्ज हुआ, जबकि गुरुग्राम में भी AQI खराब श्रेणी में रहा और 251 रिकॉर्ड किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।